अभी हमारे यहाँ से 88 बाल वाहनी के परमिट हमने जारी किए हैं। अभी पिछले दिनों ही हमने पिछले वीक इनके खिलाफ अभियान चलाया, जिसमें हमारे सभी इंस्पेक्टर्स सभी फ्लाइंग्स को हमने आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसमें हमारी फ्लाइंग्स खुद स्कूलों में जाकर के सारी बाल वाहनियों की फिटनेस रिपोर्ट ला रही है, जिसमें से कुछ यहाँ 15 से ज़्यादा रिपोर्ट अभी जमा हो चुकी हैं और कुछ हमारी फ्लाइंग्स ने रोड पर भी कार्रवाई करी है। 5 से 6 चालान अभी हमने बनाए हैं और ये अभियान लगातार हम बदस्तूर जारी रखेंगे और उन पर लगाम लगाएंगे। सैन्य विभाग कोई कार्रवाई करेगा? अब ये देखना होगा कि उन्होंने परमिट बाल वाहनी का ले रखा है या नहीं। अगर बाल वाहनी का परमिट ले रखा है और तो उनके खिलाफ हम स्कूल संचालकों के खिलाफ नोटिस जारी करेंगे पहले, और परमिट निलंबन की कार्रवाई करेंगे। हमारी फ्लाइंग्स इस दिशा में काम कर रही हैं, उनकी रिपोर्ट का हमें इंतजार है। और जिन्होंने कुछ ऐसे वाहन भी चल रहे हैं जिन्होंने बाल वाहनी का परमिट नहीं ले रखा है लेकिन अवैध रूप से चल रहे हैं, उनके खिलाफ भी हमारी फ्लाइंग्स ने पिछले सप्ताह कार्रवाई की है, जिसमें 5 से 6 चालान हमने बनाए और हमारी कोशिश लगातार इस दिशा में जारी है कि इस तरह की। सर, कई स्कूल बस ऐसी है जिसमें ना तो सुरक्षा के कोई उपकरण है, जैसे मेडिकल किट वगैरह होना चाहिए, क्षमता से अधिक बच्चों को बिठा रहे, तो उनके खिलाफ किस तरह से अभियान चलाएं? इसके लिए हम सभी बाल वाहनी जो 88 परमिट हमने जारी किए हैं, इनके लिए हमने इंस्पेक्टर्स को एरिया वाइज आदेश निकाल दिए, जो स्कूलों में जाकर खुद एक परफॉर्म हमने तैयार किया बाल वाहनी योजना के अंतर्गत, जो उसमें आवश्यकताएँ जैसे फर्स्ट एड बॉक्स है, स्पीड गवर्नर है, और भी हैं जो भी है सलाहकाएँ उसकी होनी चाहिए, ये सब है जिसके हमने परफॉर्मेंस तैयार किया, उसके आधार पर हमने इंस्पेक्टर को एरिया बांट दिए, उस हिसाब से स्कूलों में जाकर के उनकी फिटनेस रिपोर्ट ला रहे हैं और जिनमें कमी मिलेगी उनके लिए हम नोटिस जारी करेंगे, स्कूल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और बाल वाहनी परमिट निलंबन की कार्रवाई जारी करेंगे।